गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर गुप्ता जी हॉरर गेम का वीडियो इविल नन देख रहे हैं। गुप्ता जी, मुझे तो इविल नन का गेम देखना बहुत पसंद है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं 10 बार वीडियो देख चुका हूँ। वाह गुप्ता जी, आप तो मुझसे ज़्यादा वीडियो देख लिए हैं। वीडियो गेम का बात करते करते गुप्ता जी और मिश्रा जी को समय का पता नहीं चलता है और रात हो जाती है। गुप्ता जी, मुझे तो घर भी जाना है, मैं तो भूल ही गया था। मिश्रा जी अपने घर जाने के लिए गुप्ता जी का घर से बाहर निकलता है, तभी वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या गुप्ता जी, अब कैसे घर जाऊँगा, बारिश बहुत तेज आ गई है। मिश्रा जी, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, तब चले जाना घर। नहीं गुप्ता जी, मुझे जल्दी जाना है घर, यहाँ काफ़ी समय हो गया है। ठीक है मिश्रा जी, मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मिश्रा जी को घर जल्दी जाना था, इसलिए गुप्ता जी जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। जैसे ही कार जंगल वाली रास्ते से गुजर रही थी, तभी जंगल से कुछ भयानक आवाजें आती है। गुप्ता जी, जंगल से कुछ डरावनी आवाजें आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी इस जंगल से निकलिए। अरे डरो नहीं मिश्रा जी, ये जंगली जानवरों की आवाज होगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात ही कर रहे थे, तभी कार के सामने कोई आ जाता है। गुप्ता जी, कार के आगे कोई है, ब्रेक लगाइए। कार को जल्दी से रोकने के चक्कर में गुप्ता जी और मिश्रा जी का एक्सीडेंट हो जाता है। गुप्ता जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मिश्रा जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं गाड़ी पलट गई है और एक इंसान जमीन में गिरा पड़ा है। मिश्रा जी, वहाँ देखिए, हमारी कार के सामने वही व्यक्ति आ गया था। हाँ गुप्ता जी, जल्दी से चलिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही गुप्ता जी मिश्रा जी उस व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं, तभी वह व्यक्ति गायब हो जाता है। अनजान व्यक्ति को गायब होता देख मिश्रा जी और गुप्ता जी दोनों डर जाते हैं। गुप्ता जी, ये व्यक्ति कहाँ गायब हो गया और ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है? पता नहीं मिश्रा जी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तभी पीछे से कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर दोनों अपने पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। मेरी मदद करो बेटा, मुझे मुक्ति करा दो। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर यह बूढ़ा व्यक्ति कहना क्या चाहता है। तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी के सामने वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति को गायब होता देख गुप्ता जी समझ जाते हैं यहाँ कुछ सही नहीं है। मिश्रा जी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों यहाँ फंस जाएंगे। जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हैं, तभी मिश्रा जी को झाड़ी के पीछे कुछ हलचल दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, वहाँ उस झाड़ी के पीछे कोई है, वहाँ देखिए कुछ हलचल हो रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर उस झाड़ी के तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ अच्छे से देखते हैं, लेकिन कोई वहाँ नहीं होता है। मिश्रा जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप फालतू का मुझे भी डरा दिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही अपने पीछे मुड़ते हैं, तभी दोनों के सामने कंकाल आ जाता है। कंकाल को देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। गुप्ता जी, यहाँ से भागिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी डर के मारे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। गुप्ता जी, अपने पीछे मुड़कर तो देखिए, कहीं वो सभी हम दोनों का पीछा तो नहीं कर रहा है। गुप्ता जी भागते भागते अपने पीछे मुड़कर देखता है, तो कोई भी उन दोनों का पीछा नहीं कर रहा था। मिश्रा जी रुक जाइए, अब कोई भी हम दोनों का पीछा नहीं कर रहा है। गुप्ता जी की बात सुनकर मिश्रा जी वहीं रुक जाता है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, वरना आज तो मारे जाते। हाँ मिश्रा जी, अब जल्दी से चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं।
गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही आगे जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां कंकाल सामने आ जाता है। कंकाल को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे भागता है, तभी दूसरी तरफ एक दूसरा कंकाल आ जाता है। इसी तरह चारों तरफ से गुप्ता जी और मिश्रा जी घिरा जाता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, अब कैसे यहाँ से निकलेंगे? पता नहीं मिश्रा जी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये लोग हमें कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आखिर बात क्या है हमें पूछना चाहिए। गुप्ता जी डरते हुए भूतों से पूछता है कि आखिर तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। गुप्ता जी के ये पूछने के बाद बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ता है। वह बूढ़ा व्यक्ति गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताने लगता है कि आखिर क्यों वे लोग ऐसा कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त इसी जंगल में बारिश की वजह से रात में यहीं फंस गया था, लेकिन हमें क्या मालूम वह रात हमारी आखिरी रात होगी। क्या हुआ था उस रात में, जरा हमें अच्छे से बताइए। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उस रात जंगल में किसी के रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर बूढ़ा व्यक्ति और उसके दोस्त जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहां वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ लोगों को मरा हुआ देखता है। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति एक विचित्र औरत को छिपकर देखता है, जो एक चर्च के सामने कुछ मंत्र बोल रही थी और उसी के सामने एक बच्ची रो रही थी। I will know, as within, so without. बूढ़ा व्यक्ति और उसके दोस्त धीरे धीरे उस औरत के नजदीक जाने लगते हैं। उस औरत को पता चल जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति और उसके दोस्त उस औरत के नजदीक पहुंचते हैं, तभी वह औरत अपना चेहरा दिखाती है। उस औरत को देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं इविल नन थी। इविल नन को देखकर दोनों वहां से भागने लगता है, लेकिन इविल नन उन दोनों का पीछा करने लगती है। जो भी इविल नन को देख लेता है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए दोनों को मारने के लिए इविल नन पीछा करती है। बूढ़ा व्यक्ति ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाता है, इसलिए इविल नन उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। बूढ़ा व्यक्ति के मरते ही इविल नन दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लगती है। उसका दोस्त एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन इविल नन उसे देख लेती है। इविल नन धीरे धीरे उसके पास जाती है और अपनी शक्ति से उसे जला देती है। आग से जलने से वह व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह कंकाल बन जाता है। हम दोनों के मरने के बाद हमारी आत्मा इसी जंगल में भटक रही है, और मुक्ति लेने के लिए इविल नन को मारना बहुत जरूरी है, वरना मेरी तरह सभी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहेगी। वह बूढ़ा व्यक्ति गुप्ता जी और मिश्रा जी से पूछता है कि क्या आप दोनों हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी ही उन लोगों को देख सकते थे। गुप्ता जी, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, ये भूतों का मामला है, हम दोनों को इन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, कहीं हम दोनों मारे ना जाएं। गुप्ता जी, सिर्फ तुम दोनों हम सभी को देख सकते हो, मुझे आशा है कि तुम दोनों हमारी मदद जरूर करोगे और उस इविल नन का खात्मा कर दोगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुप्ता जी और मिश्रा जी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हम मिलेंगे इविल नन के पार्ट 2 में।